तो नमस्कार सभी कक्षा नवी एम कक्षा ग्यारहवीं के छात्र छात्राओं को आप सभी का स्वागत करता हूँ एटीआई रूपेश पांचाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आप सभी का मित्र रूपेश पांचाल और आज की वीडियो में आपको एक आदेश भी बताने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना है अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है आपके परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके जो है जीवन की दृष्टि से भी। ठीक है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा कुछ बताएंगे। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा काम कर देगा कि नहीं यार हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें आप भाग लेकर आप लैपटॉप मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्द से स्कॉलरशिप में रजिस्टर की और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहां इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जिसमें आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और इनाम जीतिए। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र एम छात्राएं मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहे हैं क्या सर नौवीं और ग्यारहवीं के एग्जाम कैंसिल हुए हैं क्या, और बहुत सारे मुझसे जो इंस्टा पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या एग्जाम कैंसिल हुआ है, और बहुत सारे टेलीग्राम पर पूछ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आज आप सभी के लिए जो आदेश लेकर के आ गया हूँ, आदेश यहाँ पर अभी अभी जारी हुआ है। ठीक है, आज ही की डेट में, तो पूरा पूरा आदेश को अच्छे से समझेंगे, पूरा पूरा पढ़ा के बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो लोक शिक्षा निदेशालय मध्य प्रदेश, ठीक है, गौतम नगर भोपाल 462023। ठीक है, पूरा पूरा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले विषय क्या है इसका, कक्षा नौवीं एवं ग्यारहवीं वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 के आयोजन संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश। देखिए क्या निर्देश है, यहाँ पर देखते हैं हम इसको अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा अंत तक बने रहेगा। ठीक है, उपरोक्त विषय अंतर्गत लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित कक्षा नवी है ना, कक्षा नवी एवं ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 दिनांक यहाँ पर क्या दिया गया है, 15/3/2022 और 13/4/2022 ठीक है तक आयोजित किया जाना नियत है। ठीक है, यानी कि 15 तारीख से लगा करके कहाँ तक, 13/4 तक। ठीक है, 13/4 तक है ना, चौथे महीने तक, यहाँ तक की जो परीक्षा चलेगी नौवीं से ग्यारहवीं की, ये जो है बोला जा रहा है। ठीक है, इस आगे पढ़ते हैं, आगे यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, निर्धारित तिथि में परीक्षा के निर्विघ्न संचालन के लिए नियमानुसार कार्यवाही एवं व्यवस्थाएं किया जाना सुनिश्चित कराए। ठीक है, क्या क्या जो सुविधा है वो आपको सुनिश्चित करानी पड़ेगी, मतलब स्कूल वालों को। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रत्येक थाने में गोपनीय सामग्री निकालने हेतु प्राचार्य, परीक्षा प्रभारी, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर प्रतिनिधि के समक्ष प्रश्न पत्र थाने से निकालने की कार्यवाही की जावे। कलेक्टर के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में प्रश्न पत्र निकालने की कार्यवाही कदापि नहीं की जाना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप क्या बोला गया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये बोल रहा है, प्रश्न पत्र निकालते समय प्रतिदिन प्राचार्य यानी कि परीक्षा प्रभारी, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर के प्रतिनिधि थाने में रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक 1 में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए है ना, अनिवार्य है बिल्कुल है ना, हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है क्योंकि वह उसका कुछ प्रूफ तो होना चाहिए, इसलिए सिग्नेचर जो है बिल्कुल अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर प्राचार्य, परीक्षा प्रभारी, प्रतिदिन ड्यूटी डेली, ठीक है ना, एक दिन प्राचार्य एवं दूसरे दिन परीक्षा प्रभारी बदलकर प्रश्न पत्र के पैकेज स्वयं निकालते समय पुलिस स्टेशन पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक 1 व परीक्षा केंद्र पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक 2 में यथास्थान प्रविष्टिया कर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें। ठीक है, उसका चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, कलेक्टर प्रतिनिधि थाने से प्रश्न पत्र निकालने के उपरांत संलग्न प्रोफार्म में प्रतिदिन प्रातः 8 बजे ईमेल यानी कि ईमेल आपको ये दिया गया है। ठीक है, ये ईमेल पर रिपोर्ट अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। ठीक है, अगला क्या दिया गया, अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया
किसी भी दशा में थाने से प्रश्न पत्र 7 बजे के पूर्व न निकाला जाए, यानी कि 7 बजे से पहले जो प्रश्न पत्र है वो नहीं निकाला जाएगा, जो भी निकाला जाएगा 7 बजे के बाद ही निकाला जाएगा। और यहाँ पर 101% मेरी गारंटी है कि पेपर शायद वायरल नहीं होंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हो परीक्षा केंद्र, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, देखिए क्या बोल रहा है अगला पॉइंट हमारा। परीक्षा केंद्र पर नियमानुसार विद्यार्थियों को प्रातः 8:15 तक प्रवेश दिया जाए, यानी कि 8:15 पर आपको प्रवेश दिया जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको जल्दी जाना है भैया, ठीक है, क्योंकि समय बच जाएगा तो कोई बात नहीं, वरना अगर बाद में जाओ घबराते घबराते तो आपको सब कुछ भूल जाओगे और वहाँ पर लिख नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे से समय निकाल कर थोड़ा जल्दी जाना है, ठीक है। अब देखिए उल्लेखनीय है कि त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा में कपिते प्रश्न पत्र यूट्यूब पर आउट होने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई थी, अतः इस स्थिति की इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए उपरोक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा प्रतिदिन की जानकारी प्रतिवेदन ईमेल पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ठीक है। ये जानकारी जो भी YouTube पर पेपर डलेंगे जो नहीं डलेंगे वो सारा कुछ जानकारी जो ना इस ईमेल पर डलेंगी, इस ईमेल पर जो है एक टीम है ना, वो टीम यहाँ पर डालेगी, साइबर टीम जो है जो भी है ना स्कूल के संबंधित जो भी काम करने वाले हैं वहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर ये भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो क्या दिया गया यहाँ पर प्रति, ये यहाँ पर ये जो भेजने का है तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, कोई आदेश नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि आपको करना क्या है। देखिए मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, आपको एग्ज़ाम से बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम से बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम है ये कोई जो है सिर्फ एक, जिस प्रकार से हम क्रिकेट खेलते ना जो क्रिकेट की बॉल होती है उसकी तरह, ठीक है। आपको एक्साइटेड होना है, ना कि घबराना है कि भाई हम आउट हो जाएंगे ना कि फेल हो जाएंगे तो क्या हुआ। कोई क्रिकेट खेलता है तो भाई डरता है कि मतलब यार गेंद आएगी और गेंद मतलब हमसे नहीं छक्का नहीं लगा चौका नहीं लगा तो क्या होगा, तो इस प्रकार से घबराना नहीं, एक्साइटेड होना है ना, और हमें ऐसा लगना चाहिए कि यार जल्दी जल्दी हो जाए और जल्दी से रिजल्ट आए ताकि हमें मालूम तो पड़े यार कितना पढ़ाई किया कितना नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि बाहर बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है ना यार मतलब बिल्कुल पेपर के पीछे पढ़े कि पेपर दे दो पेपर दे दो पेपर दे दो। जितना ज़्यादा टिकटॉक का क्रेज़ नहीं बढ़ा था ना, आज के जो ज़माना है आज के जो लाइफ है आज का जो दिन है परीक्षा का, इसमें इतना क्रेज़ पेपर का बढ़ चुका है, ठीक है। पेपर में मतलब है ना, मैं बहुत सारे वीडियो पर देखता हूँ तो उस पर 2 या 2.5 लाख व्यूज़ भी होते हैं किसी पर, है ना, 2 से 2.5 लाख व्यूज़ भी होते हैं बहुत सारे वीडियो पर, ठीक है। परंतु वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ फेक होती है और बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम 30% ऐसे बच्चे होते हैं जो उसी वीडियो के चक्कर में जो है फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपके पास समय है। कितना समय है अभी देखिए भाई, आप इस वीडियो को अगर 12 बजे भी देख रहे होंगे रात के, तब भी आपके पास समय, अगर आप रात को 4 घंटे भी पढ़ लो तो 4 घंटे तो रात को है, ठीक है, आप 4 बजे सो जाओ। अगर आप सिर्फ मान लो फिर आपको 7 बजे उठना है, ठीक है, तो रात को आप 4 बजे सो जाओ, ठीक है, 3 घंटा सो जाओ, ठीक है, 3 घंटा, क्योंकि भाई आज ही है टाइम, ठीक है। या फिर मेरी बात मानो तो बिल्कुल मत पढ़ो अभी, ठीक है, जितना पढ़ा उतना ठीक है, बाकी 1-2 घंटा आप सिर्फ रिविज़न करना है, वो भी किस टाइम, सुबह के टाइम आपको क्या रिविज़न करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना कि आप पास हो जाए, कितना पास हो जाए, और जो जल्दी याद हो रहा है वो प्रश्न आपको तैयार करने, क्लास 11th वालों के लिए खास करके बोल रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद चलिए बात करते हैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए, उनको क्या करना है किस प्रकार से तैयारी करना है ना, उनके लिए तो अभी बहुत सारा टाइम है ना, एक दिन हो रहा है उनके पास, क्योंकि आज डेट है 14 को मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। अब क्या पता आप कब देखोगे इसे, हो सकता है 15 को देख रहे हो, लेकिन आपके पास 15 का भी दिन है 9th वालों के पास, है ना, यानी कि टोटल अगर बात करें तो 30 घंटे है आपके पास, कम से कम 30 घंटे, और 30 घंटे में इतना कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, ठीक है, कितना हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप 1 घंटे में, क्लास 9th वालों की बात कर रहा हूँ, अगर आप 1 घंटे में अगर आप कितने सब्सक्राइब कितने सवाल लगा सकते हो, तो आप कम से कम 10 सवाल लगा सकते हो, क्योंकि 10 मिनट में एक सवाल आराम से बन सकता है, कितना, 10 सवाल। अगर हम इसे रिलेट करें 30 से, किस से भाई, 30 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना 003 * 3, यानी कि 300 सवाल बनते हैं। और भैया पेपर में कितने सवाल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 26 से 27 क्वेश्चन आएंगे, या फिर 30 से ऊपर तो नहीं निकलेंगे, ठीक है, 30 से ऊपर नहीं निकलेंगे ना,
तो यार आप 80 में से 80 ला सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ 30 घंटे पढ़ करके। यकीन मानिए आपको इसी प्रकार से तैयारी रखना है। मैंने 4 अंक वाले प्रश्न डाल चुका हूँ अपने YouTube चैनल पर, आपको वीडियो सेक्शन में जाना है, वहाँ पर देख सकते हो पूरे पूरे ए टू जेड जो क्वेश्चन है 4 अंक वाले, एक भी नहीं बार नहीं आएगा उससे, आप देख सकते हो। और मैं वीडियो डालने वाला हूँ अभी, या फिर है ना, अगर आप 15 तारीख को देख रहे होंगे तो क्या पता वीडियो डल गई होंगी, ठीक है, आपको देखते रहना है, ठीक है। और आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना है ATI रुपेश पांचाल 9th वालों के लिए 9th, ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो है अब मैं 3 अंक वाले लाऊंगा, 2 अंक वाले लाऊंगा, फिर OTK लाऊंगा, ठीक है। OTK में एक बार भी और डाल चुका हूँ, लेकिन एक बार और ज़्यादा मतलब वो बोलते ना ऐसे थंबनेल बन जाता है तो भाई मतलब कोई फोटो बनता है तो फिर से फुल HD का बनाते हैं, HD का बनता है तो फुल HD का, इसी प्रकार HD का बता दिया मान के चलिए तो मैं फुल HD का लाऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, घंटी के बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखना है, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और कुछ भी किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे इंस्टा पर आप मैसेज कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ हूँ, वहाँ पर अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई ज़्यादा जो है परेशानी तो मैं ज़रूर आपको जो है रिप्लाई दूंगा। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।